प्रदेश के पूर्व सैनिकों व पूर्व अर्धबल सैनिक का डाटा ऑनलाइन किया जाएगा ताकि उनसे संबंधित योजनाओं का लाभ आसानी से दिया जा सके। यह जानकारी हरियाणा के सामाजिक न्याय व आधिकारिकता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने दी है। यादव के पास पूर्व सैनिकों से संबंधित मंत्रालय का कार्यभार भी है। वे शनिवार को रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ में गद्दीशीन महंत व अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। से समाज के जितने भी जरूरतमंद तबके हैं, जो लोग हैं, उनको सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। 60 साल से ऊपर के लोगों को तो सरकार दे ही रही है। इसके साथ साथ जो विधवा औरतें हैं, जो ऐसा है, विकलांग हैं, उनको भी पेंशन दी जाती है। और अभी हमने सभी कैंसर पीड़ित और दूसरी क्रॉनिकल बीमारियां जो हैं उनसे जो पीड़ित हैं, वो चाहे किसी एज के हो, उनके लिए ज़रूरी नहीं 60 साल, उन सभी को भी हरियाणा सरकार पेंशन में शामिल करने की योजना बना रही है। अच्छा, एक आपके पास क्योंकि पूर्व सैनिक और सैनिक कल्याण होता है, उनका कोई पोर्टल बनाने की कोई योजना है? हाँ, हम सैनिक और सैनिक बल के कितने हमारे पास रिटायर्ड लोग हैं, उनका सबका एक सर्वे करवा रहे हैं ताकि उनका जो सबका डेटा संकलित हो जाए, तो हम उनके लिए अलग अलग प्रकार की, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ शुरू कर सकें। बच्चों की शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए हम इस तरह की योजना बना रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, जिस तरह से आपकी सरकार बनने के बाद काफ़ी फेक पेंशन पकड़ी गई है, जो लोग डबल ले रहे थे या कुछ लोग फर्जी तौर पर ले रहे थे, काफ़ी पकड़ी गई है, क्या ऐसी और भी कोई योजना आपके जहन में है कि दोबारा से इसका सर्वे कराया जाएगा? इस प्रकार के गलतियाँ कुछ स्वार्थी लोग कर लेते हैं और करवाने के चक्कर में रहते हैं। अब हमने उन सब पर चेक लगाने के लिए, उन सब को रोकने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है ताकि उसमें इस प्रकार की हेराफेरी और गड़बड़ी ना हो सके। अच्छा, पीछे जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो घोटाला हुआ था, उसकी जांच कहाँ तक क्या पहुँची और क्या कुछ आगे सुधार है? वो मेरे महकमे संबंधित नहीं है, मुझे उसकी जानकारी है। अभी कोरोना काल में पेंशन बन रही है या अधिकारी तो मना कर देते हैं कि भाई लाइन खुली नहीं है? नहीं नहीं, कोरोना काल में पेंशन बनने लग रही है। ऑनलाइन पेंशन अप्लाई करना होता है, किसी को ऑफिस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी अपने कंप्यूटर सेंटर पे जाके, नज़दीक अपने गांव के सेंटर पे जाके और वो अपना फॉर्म भर सकते हैं और पेंशन बनने लग रही है। ठीक है।